हेलो बच्चों क्या हालचाल आप लोगों के ये जो हम लोग सीरीज लेके आपको लेके चल रहे हैं जिसमें कि मैं इवनिंग में आठ बजे मैं में मेंस लेवल के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपको कराता हूँ उन क्वेश्चंस में आपको बस ये करना चाहिए क्लास के समय जब भी आप लाइव क्लास में हो तो खुद से कुछ मेहनत किया करो कुछ से कुछ क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश किया करो मुझे मालूम है कि इस लेवल पर आपको शुरुआत में

प्रॉफिट लॉस पर मेंस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो दिखाऊंगा कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और मुझे लगता है कि आप लोग ना सीरियसली एफर्ट नहीं कर रहे हो आपको अगर प्री मेंस निकालना है तो अभी से लग जाना पड़ेगा अब आपके पास देखो एक जून के आसपास आप लोगों का आरआरबी का नोटिफिकेशन आ जाएगा अप्रैल चल रहा है अप्रैल इज द राइट टाइम टू तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम जो बच्चे छह महीने पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे साल भर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने अब स्टार्ट किया है तो सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है ना सिलेक्शन का दैट इज कंसिस्टेंसी जो बच्चा लगातार काम करेगा अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो पढ़ हर दिन आठ से नौ घंटा पढ़ सकते हो तो ये पेपर आप क्रैक कर सकते हो देखो हर स्टूडेंट की लाइफ में या हर स्टूडेंट के पूरे दिन के सर्किल में कितने घंटे होते हैं मात्र चौबीस घंटे है ना अब उन 24 घंटे को कैसे आप इस्तेमाल करते हो ये इंपॉर्टेंट है सात से आठ घंटे सोने का समय रखो दो से तीन घंटा खाना नहाना ये बाकी जो जरूरी काम होते हैं जरूरी काम है ठीक है कुछ ऐसे अननेसेसरी काम है जिनको आप अवॉइड कर सकते हो उनको अवॉइड करो और उसके बाद देखो मैंने आपको क्या बताया आठ घंटे सोना दो घंटे अदर वर्क जिसमें सारे जो घर के जरूरी काम है आपके वो करो अगर घर में रहते हो मम्मी पापा की हेल्प भी करो दो घंटे बचते फिर भी आपके पास बारह घंटे हैं अब उन बारह घंटे में अगर आप कॉलेज जाते हो जॉब करते हो उसको हटा के अगर आप खाली हो तो कम से कम दस घंटे आपको अब से पढ़ना चाहिए और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है हम लोग हर स्टूडेंट शुरुआत तो बहुत स्ट्रांग करता है हाँ ये बात बहुत अच्छी बोली है मन नहीं लगता ये ये कोई पिक्चर थोड़ी है अरे बेकार पिक्चर हो तो आप आधी पिक्चर छोड़ के तो चले जाते हो लेकिन ये तो आपका एग्जाम है ये तो आपके फ्यूचर की बात हो रही है तो इसमें मन नहीं लगने वाला है लेकिन जो बच्चा लगातार डटा रहेगा वही ये एग्जाम निकाल पाएगा तो आपको लगातार डटे रहना है लाइफ में कोई भी समस्या हो इससे बड़ी समस्या नहीं है कि आपका जॉब के बारे में बातें हो रही हैं आपकी जॉब लगने की बात हो रही है तो ये बहुत बड़ी समस्या है आज के जमाने में बेरोजगारी इंडिया में बहुत बड़ी हुई है जो बच्चा अच्छा करेगा जो बच्चा नौ से दस घंटे पढ़ेगा वही इस एग्जाम को निकाल सकता है मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ देखो आप जब पढ़ने बैठते हो है ना आपकी लड़ाई केवल आपसे होती है यहां पर जो आ, लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी या आपका कंसंट्रेशन बहुत मजबूत होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप कितना कंसंट्रेट होके पढ़ते हो जैसे मैंने कल एक सेट कराया था डीआई मेंस लेवल का जिनको आ, मेंस में प्रॉब्लम है मॉर्निंग की प्री की क्लासेस करो जिनको मेंस में अपनी इंटरेस्ट जगाना है तो लगातार आठ बजे एक घंटे डेली इस क्लास को कर लो। आपका धीरे-धीरे इंटरेस्ट जगेगा सुमन पढ़ाई का गुड इवनिंग अनुष्का हाँ, मन ही तुम्हारा <laughs> वो है ना गाना मन ही देवता मन ही दुश्मन मन ही तो है जिसको समझाना होता है ये जो एग्जाम की बात आप करते हो ना हम लोग हर बच्चा शुरुआत बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब से करता है कि मेरे इस दोस्त का हो गया मेरे उसका हो गया मैं भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूं मैं भारत गुप्ता मुझे 25 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है मैंने देखा है कि शुरुआत में मान लो कि हजार बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं शुरू में वो चार पांच दिन आठ से दस घंटे पढ़ते हैं हजार बच्चे एक मिनट एक, एक सैंपल ले लिया कि हजार बच्चे अगर पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो चार से पांच दिन तो आठ से दस घंटे पढ़ते हैं अब इस आठ से दस घंटे में क्या होगा कि आप या तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन करोगे पी लेवल के तो आपको मजा आता रहेगा लेकिन जैसे ही तुमने मेंस का क्वेश्चन टच किया तुम्हारा सारा कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा तो इस हजार में से 200 बच्चे चार दिन बाद कुछ और काम में लग गए मतलब उस दिन उन्होंने पढ़ाई नहीं की और एक दिन अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो फिर आपको आगे मन ही नहीं करेगा उठाने का मन ही नहीं करेगा अच्छा, उसके बाद 800 लोग स्टार्ट कर, चलना शुरू करते हैं अगले 15-20 दिन ये भी 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां आपको क्वेश्चन समझ में आने बंद हो जाते हैं जैसे आज आपको लगेगा एक जो मैं सेट कराऊंगा बहुत बढ़िया सेट है उसको देख के आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो कैसे होगा तो ये जो आठ बच्चे हैं ये पंद्रह बीस दिन बाद उसमें से दो बच्चे और कम हो गए ऐसे करते 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 दो महीने बाद दो महीने बाद केवल सिंसियर बच्चे सौ बचेंगे और आपको इन सौ में आना है ये पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना जो आपको एक लेवल पर लाके खड़ा कर देगी अगर आप फोन चलाते रहोगे तो जिंदगी भर चला सकते हो उसमें कोई इश्यू नहीं है लेकिन आगे आपका उसका कोई फायदा नहीं है आपको एक सिंसियर एफर्ट देना चाहिए एक लगातार काम करना पड़ेगा और ये जो मेंस की क्लास है शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी मैं एक सेट को बड़े प्यार से सॉल्व कराऊंगा बहुत आराम से सॉल्व कराऊंगा तो चलो स्टार्ट किया जाए गुड इवनिंग विनोद मन नहीं लगता यार ये पढ़ाई ऐसी चीज में मन लगता ही नहीं है काम अगर आपको पता है कि यार मुझे पता है मन क्यों नहीं लगता है? आपको अगर ये पता होगा कि एक महीने बाद मुझे सैलरी मिलेगी मान लो तुम कहीं जॉब कर रहे हो तुम्हें दस बजे पहुंचना है और तुम्हारी शाम को पांच बजे छुट्टी होगी तो तुम्हें मालूम है कि दस से पांच करूंगा एक महीने बाद मुझे सैलरी मिल जाएगी लेकिन प्रिपरेशन फॉर एग्जाम आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके मन में हमेशा दुविधा रहेगी यार मेरा नहीं हुआ मेरा नहीं हुआ और ये दुविधा ही है जो आपको एग्जाम से अलग करती है वहां पर टेंशन होती है कि यार अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरा समय बर्बाद जाएगा याद रखना नॉलेज कभी बर्बाद नहीं जाती पढ़ाई जो कर रहे हो कभी बर्बाद नहीं जाएगी उसे कहीं ना कहीं आपको और अलग से इफेक्ट मिलेगा मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था देखो कोई बच्चा क्वेश्चन करता ही नहीं है अब देखिए क्वेश्चन था ये मैंने कल आपको होमवर्क दिया था एसबीआई पीओ मेन्स का था इस

प्राइस पूछा है आपको वॉच की तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ मुझे दिस जरूर कमेंट किया करो आंसर जरूर दिया करो हाँ बैच जल्दी आ रहा है एक मई एक मई के आसपास बैच आ जाएगा मेरा आज बात हो गई है एक मई में बैच आ जाएगा हम लोग का हम लोगों का पेड बैच आ जाएगा देखो पेड बैच में क्या होता है ना बच्चा जब फ्री क्लासेस में ना बच्चों को लगता है कि यार शायद आगे अच्छा हो ना हो शायद ये पेड हम फ्री भी पढ़ाएंगे पेड क्लासेस भी हम लोग के आने जा रही है एक तारीख से मोस्ट प्रोबब्ली बैच आ जाएगा हम लोगों का हम इसका आंसर दो क्वेश्चन क्लियर नहीं है मैं पढ़ देता हूं घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कथन 1 है यदि ₹360 की मूल्य वृद्धि है दस परसेंट की छूट दी जाते है, तो है। है, जाती है तो लाभ आठ परसेंट है कथन दो जाती है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर के बराबर है दो स्टेटमेंट दिए इंग्लिश में क्या है स्टेटमेंट इफ इज ए मार्कअप ऑफ रूपीज थ्री सिक्सेंट डिस्काउंट इज गिवेन देन प्रॉफिट इज एट परसेंट स्टेटमेंट टू है इफ वॉच इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ ट्वेल्व परसेंट डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रूपीज टू वन सिक्सर होगा अगर आप मोबाइल पे देखोगे शायद क्वेश्चन आपको क्लियर ना दिखे, लेकिन मैंने कोशिश की कि क्वेश्चन बड़ा लिखा जाए जिससे आपको क्लियर हो जाए तो ऑप्शन है स्टेटमेंट वन आर सफिशियंट स्टेटमेंट टू आर सफिशियंट बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर सफिशियंट इधर स्टेटमेंट वन और टू आर सफिशियंट इन नन ऑफ द अबव यस तो शिवेंद्र ने आंसर दिया है सी ऑप्शन हाँ बेसिक से चलेगा बेसिक से चलेगा वो बेसिक प्लस एडवांस हर क्लास में सब कुछ कराया जाएगा मतलब मैं, मैं प्री से लेकर लेवल तक लेके जाऊंगा भाई ये प्रॉफिट लॉस का बेसिक इसमें प्री के चार कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो गया क्वेश्चन बनाए प्री के चार बताओ ओके okay, सुमन ने बोला है बी ऑप्शन मैं स्टार्ट करता हूं दो मिनट ज्यादा हो गया देखो हमें घड़ी की कॉस्ट प्राइस पूछिए अब स्टेटमेंट वन देखते हैं तो स्टेटमेंट वन क्या कहता है स्टेटमेंट वन ये कह रहा है स्टेटमेंट वन आपसे कहता है कि भाई इफ देर इज ए मार्कअप ऑफ रूपीज थ्री सिक्सटी तो मान लो हम क्या करते हैं सीपी सीपी को कुछ मान लिया जाता ठीक है कुछ मान हैं सीपी को मान लो सीपी है आपकी एक्स हमें कुछ नहीं पता तो मैं CP मैंने एक्स मान ली अगर मार्कअप आपका रुपीज थ्री सिक्सआरपी आपकी हो गई थ्री सिक्सटी प्लस एक्स अगर आपकी क्रय मूल्य एक्स है तो मार्कअप मतलब उस कॉस्ट पर आपने तीन सौ सात बढ़ा के लिख दिया मतलब आपने उसकी एमआरपी कर दी तीन सौ सात प्लस एक्स अब उसके बाद बोल रहेन परसेंट डिस्काउंट इज गिवेन तो सेलिंग प्राइस क्या होगी फॉर्मुला होता है एमआरपी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप ये फ्रैक्शन वैल्यू ना जानते हो तो मैंने आज सुबह पढ़ाया है पूरा फ्रैक्शन कन्वर्जन एमआरपी आपकी कितनी है एमआरपी है थ्री सिक्स एक्स वन माइनस एक्स और यहां से हो गया नाइन बाई टेन हो गया आपकी सेलिंग प्राइस अब इस क्वेश्चन में आपके पास एक ही तो इक्वेशन है सेलिंग प्राइस नहीं पता एक्स नहीं आ पाएगा तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट सफिशियंट

तो डिस्काउंट अपॉन हंड्रेड जहां भी आप परसेंटेज को 100 से डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं, आप में से कितने लोग है जो फ्रैक्शन वैल्यू है है? है जानते हैं अच्छा अभी एक स्टेटमेंट इसमें एक बात और बची एक बात और है, वो ये है कि मार्कअप ऑफ रूपी थ्री सिक्सटी टेन परसेंट डिस्काउंट इज देन प्रॉफिट इज एट परसेंट अब प्रॉफिट एट परसेंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस प्राइस बराबर कॉस्ट तो तो मुझे बताओ कि इन दोनों लाइन को मैंने यूज किया स्टेटमेंट वन की यहां से निकाला इधर सेलिंग प्राइस निकाली जब आपने कॉस्ट प्राइस से निकाला तो इधर प्रॉफिट हो गया इधर डिस्काउंट मिल गया आपको तो आप यहां से केवल एक्स ही एक्स बचा इस पूरी में खाली बचा, तो यहां से यह मतलब यह आंसर इस, इस आ रहा है ठीक है तो यहां से मेरा ये तो समझ में आ गया कि स्टेटमेंट वन सफिशियंट है आप लोग ने देखो एक बात बताओ तुम लोग ये फॉर्मुला पढ़ते हो ना हिंदी में लिखता हूं विक्रय मूल्य फॉर्मूला कितने बच्चे जानते हैं क्रय मूल्य वन माइनस वन प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई हंड्रेड और विक्रय मूल्य बराबर uh, अंकित मूल्य वन माइनस डिस्काउंट अपॉन हंड्रेड सब जानते हैं फॉर्मूला यही तो बेसिक है जब भी आपने प्रॉफिट और ये फॉर्मूला आप हमेशा पढ़ते हो ठीक है ये फॉर्मूला आप हमेशा पढ़ते हो लेकिन अच्छा जो बच्चे ये फॉर्मूला नहीं जानते यार आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सीरियसली एफर्ट करो यही तो मैंने लिखा है तो दो बार कर दिया सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य एमआरपी मतलब अंकित मूल्य वन माइनस फैक्शन वेल्यू डिस्काउंट अपॉन हंड्रेड वो है दस परसेंट तो वन बाई टेन इधर सेलिंग प्राइस ये सॉल्व किया नाइन बाई टेन सेलिंग प्राइस यहां से आ गया अच्छा क्रय मूल्य की तरफ से सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य पर आठ परसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो वन प्लस प्रॉफिट बाई हंड्रेड तो ये दोनों मैंने एसपी बराबर कर दी मतलब थ्री सिक्सटी प्लस एक्स नाइन बाई टेन और एक्स यहां से मुझे आंसर मिल जाएगा ठीक है? तो मतलब तो है।, है अब ये कट गया क्योंकि कोई तो अब वन तो सफिशियंट है अब या तो ये आंसर होगा ठीक है ये आंसर होगा या ये आंसर होगा देखते क्या होगा अब स्टेटमेंट वन हटा रहा हूं ठीक है मुझे जगह चाहिए स्टेटमेंट टू को सॉल्व करने के लिए ये मेरा क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है ये सफिशियंट है दिस इज सफिशियंट ठीक है ये स्टेटमेंट मेरा सफिशियंट आ गया मतलब मुझे इससे आंसर मिल रहा है अब हम आते हैं स्टेटमेंट टू पर इफ वॉच इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ ट्वेल्व परसेंट देन डिफरेंट बिटवीन द सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू टू बन सकती बहुत आसान सी बात है इफ वॉच इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ स्टेटमेंट टू देखो जरा इस बार आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट है बारह परसेंट तो मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस वन प्लस बारह बटे सौ ठीक है यहां से हो गया से, अब और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं एंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर दो सौ सो सोलह अब यहां से आप उठा के सेलिंग प्राइस की वैल्यू रख सकते हो ये तो सीपी इंटू वन प्लस बारह बटे माइनस सीपी बराबर दो सौ सो सोलह अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई जिसमें मेरा अननोन क्या है मेरे पास सीपी ही तो अनु ने बाकी सब तो गिवन है यहां से आंसर आ जाएगा और बैंक के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको ये देखना है आंसर आएगा नहीं आएगा मुझे ये नहीं पूछा है कि आंसर निकालना क्या है ठीक है मुझे निकालना है कि आंसर आएगा या नहीं आएगा ठीक है तो यहां से आंसर आएगा नहीं आएगा बताओ यस और नो क्या इसका आंसर निकाल सकते हो आप यहां से क्या ये क्वेश्चन अब आपको आंसर दे रहा है बोलो भाई क्या यहां से आंसर आ रहा है हां आएगा यहां से भी आंसर मिलेगा तो मतलब ये भी सफिशियंट है अब मुझे इससे भी अलग से आंसर आ रहा है इससे भी अलग से आंसर आ रहा है बताओ तो ये वाला भी खत्म हो गया अलोन वाला नहीं अब बताओ थर्ड ऑप्शन होगा या फोर्थ होगा कौन सा आंसर होगा हम एंड वर्ड लिखेंगे या और लिखेंगे बताओ कौन सा आंसर लिखेंगे शिवेंद्र कौन सा आंसर लिखेंगे मेरे पास दोनों से आंसर आ रहा है मुझे आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट से अलग से मिल रहा है मुझे स्टेटमेंट टू से भी आंसर मिल रहा है मुझे आंसर मिल गया मैं कौन सा आंसर मार्क करूंगा ओके अब जरा ध्यान देना यहां पर एक बात जो क्लियर करनी है आप लोगों को वो ये है एंड और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपने बी किया एंड बी किया या तुमने इंजीनियरिंग की या मेडिकल किया इन दोनों का डिफरेंस समझ लो एंड का मतलब होता है दोनों साथ किया मतलब बी भी की साथ में बी की यहां पर मतलब होता है इंजीनियरिंग की या मेडिकल की मतलब या तो ये करोगे या ये करोगे समझ लो तो मतलब बात तो एंड का मतलब होता है दोनों साथ साथ जरूरी हैं एंड का मतलब दोनों साथ काम करें जैसे आपने ये बहुत पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क में फाइव मैन एंड टेन वुमेन इधर फाइव मैन और टेन वुमेन तो यहां पर मतलब है कि पांच आदमी और दस औरतें साथ काम करेंगी दोनों साथ साथ काम करेंगे दोनों का यूज होगा दोनों साथ यूज होंगे यहां पर या तो पांच मैन करें या दस वुमेन करें तो काम हो जाएगा ठीक है अब एंड और और का डिफरेंस समझ गया अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा इधर स्टेटमेंट वन और टू आर सफिशियंट मतलब या तो वन लो वो भी सफिशियंट है और मतलब दो लो वो भी मतलब या तो वन ले वो सफिशियंट है या तो टू लें वो सफिशियंट है और यहां कह रहा है स्टेटमेंट वन एंड टू आर सफिशियंट मतलब दोनों को साथ मिलाना पड़ेगा तो भाई आंसर किससे आ रहा है मेरा वन भी अलग से आंसर दे रहा है टू भी अलग से आंसर दे रहा है तो इसका आपको ये और और एंड का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है इसका आंसर हो जाएगा ये yes. इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्लियर और का मतलब या तो ये ले या ये लें या वर्ड है ना एंड का मतलब दोनों साथ चाहिए स्टेटमेंट वन भी चाहिए एंड

जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका सोचने का ढंग काम करने का ढंग बिल्कुल सेपरेट होता है बिल्कुल अलग होता है आपको उस तरह से वर्क करना चाहिए अगला क्वेश्चन समझना आगे आगे ये क्वेश्चन एस बी आई पी ओ मीन दो हजार में आया था अब मैं आपको करा रहा हूं दो में फेब में एसबीआई क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैंने इधर हिंदी में लिखा है इधर इंग्लिश में लिखा है ठीक है तो ये जो डेटा आपको दिया है जो टेबल दिया जरा समझ लो ये आ, चार शॉप हैं के एल एम एन गिविंग टेबल शोज द नंबर ऑफ टॉय सोल्ड इन फोर डिफरेंट शॉप के एलिमेंट एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ इच आर्टिकल ये दे रखा है आपको ये दे रखा है, number, ये ठीक है ये दे रखा है आपको ये वाला फोर ए बी प्लस फाइव फोर ए बी अच्छा उसके बाद यह दे रखा है मार्कअपर्सेंटेज ऑफ ईच आर्टिकल मार्कअपर्सेंटेज कितना परसेंटेज हमने अप मार्क किया

इसको सॉल्व करने में आपको दो से तीन मिनट लग सकता है लेकिन जब आप ये सॉल्व कर लोगे तो आगे सब चीजें आसान है आगे पांच क्वेश्चन आप एक मिनट में कर लोगे तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने में ज्यादा आपको ज्यादा ज्यादा पांच या छह मिनट लगेंगे इस पूरे सेट को सॉल्व करना अच्छा इसको सॉल्व कैसे करेंगे हमारे पास चार स्टेटमेंट दे रखे हैं चार कंडीशन दे रखी है चार नोट दे रखे तीन नोट पहला नोट है सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय शॉप के इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय इन शॉप एम तो ये हमारा है है. सामने आपके. इसको करो हिंदी में इधर लिखा हुआ है। मुझे ए और बी की वैल्यू बताओ इस डेटा से आप ए और बी निकाल सकते हो तो टेक योर टाइम मैं आपको टाइम दे रहा हूँ देखते हैं कितना टाइम लगता है मैं तो आपको तीन मिनट दे रहा हूँ ठीक है तीन मिनट लगते हैं देखते कितने लोग कर पाते हैं थोड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन बनेगी लेकिन हाँ करना जरूर चाहिए आप लोगों को सब लोग दिमाग लगाओ क्योंकि अगर ये सेट आपने सोल्व कर तो फिर आगे क्वेश्चन बहुत आसान है अगर क्लास में बैठे हो तो इन क्वेश्चन को जरूर करना चाहिए मैं आपका डर निकालूंगा धीरे धीरे डर निकलेगा आपको मेन्स के क्वेश्चन सोल्व करने का टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लेकिन एक बार आपने इसको कर लिया तो फिर आगे आप चीजें आसान हो जाएंगी ठीक है यस ट्राई करो यस yes, करते रहो ओके okay. uh, दो मिनट हो गए बस मैं एक मिनट बाद स्टार्ट कर दूंगा सोल्यूशन इसका करना ओके okay, ने बोला बीस ट्वेंटी चलो एक बच्चे का आ मैं चलो करना, करना इसको। एक बच्चे का देखो क्या करेंगे तो ऐसा करते हैं थोड़ा -थोड़ा जगह बना देता हूं हमारे पास ये जो मैंने क्या किया चार्ट एक रखा है ये हिंदी के स्टेट में इंस्ट्रक्शन ये इंग्लिश के ये मैंने एक ओपन एरिया दे दिया आप लोगों जिसमें कि हम वैल्यू लिखने भाई मैंने एक स्पेस ले लिया आप लोगों के लिए जब मैं जहां पे लिखूंगा पहले स्टेटमेंट ये समझ लो बहुत ढंग से के, तो के मूल्य मार्कअप किया है और ये डिस्काउंट दे रहा है तो ये जो डिस्काउंट यहाँ पे दो दिया हुआ है ये सारे टॉय का डिस्काउंट है कितने टॉय बेचे आपने ए प्लस तो एक का डिस्काउंट कितना दो सौ दस बटे ए प्लस फाइव आप समझो बात 210 बटे a 5 अच्छा एक बात समझना यहां पर जो मेरे पास अच्छा a आपका आया a कितना आया a इज 90 ओके okay, 20 20 a इज 90 चलो देखते हैं 90 a आया आपका चलो देखते हैं क्या हो सकता है अब ये जो लाइन दी है ना इसको समझो बहुत ढंग से वो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय इन शॉप के के ऑफ तो so की selling price क्या होगी? अगर 4A उसकी मूल्य है, उस पे 150 का आप मार्कअप कर रहे हो एम की बात कर रहा हूं और आप वन वन फोर अच्छा ये स्मॉल ए हो गया वन वन फोर ए का आप डिस्काउंट दे रहे हो सारे आर्टिकल पर एक मिनट वन वन फोर ये वन वन फोर नहीं वन वन सेवन है यारेबड़ है वन वन सेवन है ठीक है, वन वन सेवन ए है। इसको करेक्शन कर लो यहाँ पर ये स्मॉल ए है ये वन वन सेवन ए है तो थोड़ा सा करेक्शन था इस क्वेश्चन में शायद इसलिए आपका आंसर गलत आ गया तो वन वन सेवन ए अगर आप टोटल डिस्काउंट दे रहे हो आपके ए आर्टिकल तो एक आर्टिकल का डिस्काउंट देखो तो ये ए जो है ये सारे आर्टिकल का डिस्काउंट है और इस m वाले ने a आर्टिकल बेचे तो एक आर्टिकल में डिस्काउंट दे रहा है वो 117 रुपीज़ और उसने मार्कअप किया 150 तो पता है मैं क्या करूंगा मैं करूंगा सेलिंग प्राइस फॉर m शॉप जरा ध्यान देना स्टेप को बस शुरुआत का टाइम टफ है उसके बाद बहुत आसान है तो इसने क्या किया 4a को मार्कअप किया 150 तो 4a को आप डिस्काउंट तो uh, तो तो मतलब दे दो वन वन सेवन क्योंकि टोटल आपने डिस्काउंट दिया वन वन सेवन ए आर्टिकल बेचे ए तो एक आर्टिकल का डिस्काउंट वन वन सेवन हो गया तो सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप एम क्या था टेन एम आर पी माइनस वन वन सेवन दिस इज दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ एम शॉप के आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या ये तो समझते हो इज दिस क्लियर ठीक है ये सेलिंग प्राइस ऑफ एम की हो गई बस दो लाइन है ये समझ गए तो पूरा क्वेश्चन आसान है अब हम आते हैं के, के लिए अब अब a selling price, selling price देखो देखो इस की की कितनी होगी ये दो सौ दस आर्टिकल ए प्लस दो सौ दस डिस्काउंट है और फोर ए पर फोर्टी तो परसेंट देखो इसकी अंकित मूल्य एमआरपी क्या होगा फोर ए इसका है क्रय मूल्य फोर्टी परसेंट वन प्लस फोर्टी बाई हंड्रेड करोगे दिस इज फोर ए इंटू दो पांच सात सेवन बाई फाइव ट्वेंटी एट ए बाई फाइव क्या हो गया ये हो गया इसका MRP, K का अच्छा इस पे उसने डिस्काउंट दिया टू हंड्रेड टेन बाई ए प्लस ए प्लस फाइव तो मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस फॉर के शॉप ध्यान दो उसकी एमआरपी है ट्वेंटी एट ए बाई फाइव माइनस उसका डिस्काउंट टू हंड्रेड टेन डिवाइडेड बाय ए प्लस फाइव बस ये मेरा क्वेश्चन हो गया टू हंड्रेड टेन बाई ए प्लस फाइव ये सेलिंग तो प्राइस के समझ में आ गया क्वालिटिक बनने वाली जहां पर एक जगह ऊपर एक जगह ए नीचे है ठीक है तो इनको इक्वेट कर दो अब हम इनको बराबर कर देंगे इनको इक्वेट करेंगे तो देखो ट्वेंटी एट ए बाई फाइव माइनस टू हंड्रेड टेन बाई ए प्लस फाइव बराबर टेन ए माइनस वन बाई वन वन सेवन पता है आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो आप ढूंढोगे कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करें हम आप ये ढूंढोगे हम कौन सा क्वेश्चन करें या तरीका ये होता है कि आप शुरू कर दो बस कुछ भी करके शुरू कर दो एक बार गलती होगी दो बार गलती होगी तीन बार गलती होगी चौथी बार आप कर लोगे उसको तो जैसा भी क्वेश्चन सामने दिख रहा हो उसको शुरू कर दो सॉल्व करना डरना नहीं है सॉल्व करना शुरू कर दो ठीक है डर के नहीं काम चलेगा आपको करना चाहिए शुरू कर दो कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है अच्छा भाई तो अब इनको सॉल्व करते हैं यहां पर मैं अगर फाइव ए स्क्वायर और प्लस एक सौ चालीस ए और ये हो जाएगा माइनस वन जीरो फाइव जीरो बराबर टेन ए माइनस वन वन सेवन ये हो गया अट्ठाईस ए स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अब ये फाइव इधर आ जाएगा तो दिस इज फाइव ए प्लस ट्वेंटी और ये हो जाएगा टेन ए माइनस वन पता है कि क्वाड्रेटिक बननी है बस अगले चार लाइन टफ है बाकी पूरा क्वेश्चन आसान जाएगा अगले चार लाइन टफ है बस अब क्या होगा ट्वेंटी स्क्वायर अच्छा मुझे बताओ कितने लोग इस जगह पर आके पढ़ाई मतलब छोड़ देते हैं क्वेश्चन

टू नाइन टू फाइव ये हमारी एक इक्वेशन बन गई अभी सबको क्यों पचास ए स्क्वायर ट्वेंटी दो सौ पचास घटा लोन तीन तीन, तीन सौ पैंतीस और ये जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा वन फोर्टी भी माइनस कर दो तो पांच और तेरह में से चार गए नौ आ, एक, एक सौ पिचानवे माइनस के एक सौ पिचानवे कर रहा हूं मैं मेरे पास था वन फोर्टी और ये है फाइव एट्टी फाइव एट्टी फाइव हाँ ठीक है और ये 25 से 585 में से तो में तो यहां पे गलती होगी तो फिर क्वेश्चन जाएगा तो यहां पर घटेगा इसमें से वन जीरो, जीरो। पांच सात आठ एक अठारह सौ पचहत्तर ये हमारी बनेगी इक्वेशन हाँ भाई ये बनेगी क्वालिटी इक्वेशन बताओ भाई कितने लोग इस क्वालिटी इक्वेशन से एग्री करते हैं कि ये सही बनी है हमारी अच्छा एक गलती हो गई यार ये ना इधर आकर जुड़ेगा क्योंकि माइनस या भी माइनस जुड़ेगा ये।, ये जुड़ेगा यार इसको मैं हटा देता हूँ बाकी सब कुछ सही है बस ये जुड़ेगा पर। क्योंकि देखो माइनस था ना वो तो ये जुड़ेगा तो ये, जुड़े ये हो जाएगा फाइव। अच्छा भाई, तुम लोग एक चीज जानते हो क्या और मेरे पास क्या क्या आ गया जरा ध्यान दो आपकी जॉब और बेरोजगारी के बीच में ये तीन स्टेप हैं बस ये तीन ये चार स्टेप जो इसके बाद यहां तक आ सका शुरू में एक घंटा दो घंटा भी लग सकता है लो दो टाइम इतना यही तो आपको फ्यूचर बना रहे है आपका इस जगह पर आके कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं कितने लोगों को लगता है छोड़ो यार ये हमारे बस की बात नहीं जरा कमेंट बताओ कितने लोगों को लगता है कि यार ये छोड़ो अब कुछ और करेंगे अब बैंक नहीं कुछ और करेंगे बैंक में डकेती डालेंगे है ना पढ़ाई लिखाई तो हमारे बस की नहीं बैंक की डकेती डालेंगे या बैंक के आगे पकौड़े का स्टॉल लगाएंगे कितने लोग चाहते हैं सर कितने लोग सोचते हैं है ना तो हाँ एम के गोस्वामी कोई बात नहीं यार मुझे मालूम है कि इस जगह पर आप फंस तो लेकिन यार करना तो पड़ेगा आप सुनो जरा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शॉर्टकट बहुत पढ़े हैं कितने लोगों ने पढ़े हैं माइनस वन एट सेवन फाइव ये सॉल्व करना देखो वन एट सेवन फाइव को मैंने क्या किया था पच्चीस से सॉल्व करो इसको पच्चीस से करोगे तो पच्चीस से सात बार और एक पांच बार और ये बाईस है तो 25 पिछहतर बाईस के फैक्टर जिनका की डिफरेंस चार सौ पिछहत्तर आए पच्चीस फैक्टर बाईस डिफरेंस चार सौ आए तो ये काम करते हैं हम पच्चीस पच्चीस दूनी पचास पांच सौ पचास माइनस पिछहत्तर करके देखो ग्यारह चार सौ पचहत्तर ठीक है तो ये फिर फैक्टर हो गए कौन कौन से पांच सौ पचास और पिचहत्तर आपको एक रूल याद है अगर हमारे पास फैक्टर बन गए उसके मिडिल टर्म बन गई तो 550 बड़ा फैक्टर पहले ये करूं, ये डिवाइड डिवाइड करूं, करूं इधर और साइन कन्वेंशन तो पर माइनस है minus होने पर ये अपना सेम रखेगा, तो यह बाईस एन पिछहत्तर बाई बाईस कितने लोगों को आता है बताओ जरा कितने लोगों को ये स्टेप आता है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन बताओ कितने लोगों को ये स्टेप आता है ये स्टेप कितने लोगों को आता है यही तो चीजें हैं जो आपको कमाल करनी है यही तो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगी याद रखो ज्यादा हल्ला नहीं होना चाहिए आपकी सफलता का सफलता हल्ला करे आप अपने पढ़ने को हल्ला मत बताओ मैं मैं पढ़ाई कर रहा हूं मेरा बैंक का एग्जाम है पापा मम्मी बोले बेटा ये काम कर दो नहीं मम्मी मुझे डिस्टर्ब ना करो मैं पढ़ाई कर रहा हूं ऐसा बिल्कुल नहीं अपने पेरेंट्स को भी टाइम दो एक दो घंटा पता है आप लगातार आठ घंटे नहीं पढ़ सकते हो जैसे मम्मी बोले बेटा जाओ सामान लेना राशन का मम्मी रुको मैं दो घंटे पढ़ लो फिर जाऊंगा तो आपका घूमना भी हो गया मम्मी का काम भी हो गया मम्मी भी खुश घर में माहौल खुश है ना तो मजा आएगा पढ़ने में है ना ठीक है ये आता है ना चलो भाई अब मुझे बताओ यहां पर ये वैल्यू आई ए की तो ए क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल की बात हो रही तो एक कभी नेगेटिव तो नहीं सकता तो ये छोड़ देंगे ए आ गया मेरा पच्चीस बोलो भाई समझ में बात तो ये है पूरा सीन जिसको आपको तैयार करना है तो मेरे पास ए आ गया पच्चीस ए आ गया पच्चीस तो जब ए पच्चीस आ गया तो हम क्या क्या कर सकते देखते हैं ये है सत्रह अब अगर मेरे पास ए आ गया पच्चीस तो ये हो गया तीस अब वैल्यू लिखते जरा इस की ये हो गई तीस है ना फोर ए पच्चीस चौके सौ यह चालीस है ये सेट तो पूरा हो गया मेरा के का तो पूरी डेटा हो गया बी नहीं पता ये भी नहीं पता ये यहां ये लाइन नहीं पता ए पच्चीस अच्छा ये सत्रह इंटू ए है एक सौ सत्रह इंटू पच्चीस करो गुणा कर लो इसको पच्चीस या इस पर छोड़ देते हैं ठीक इस है, इसको छोड़ते हैं बाद में करेंगे इसको वन वन सेवन इंटू पच्चीस क्या क्या पता कुछ कट जाए पच्चीस डिवाइड करोगे तो आपको कट जाएगा वैल्यू अच्छा इधर बी हमें तो देखो एक रो हमारी के और एम पूरा सॉल्व हो गया अब हम आते हैं एक बात आ गई अब हम आते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय इन शॉप एल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय इन शॉप एन ये भी लंबी लाइन है ये भी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा लगेगा सेलिंग प्राइस निकालने में इसको देखते हैं द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉइन ई शॉप के एल एम अच्छा ये आसान बात है इससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा देखो एवरेज कॉस्ट प्राइस किस किस की के एल एम तो के की प्राइस है फोरे फोर ए कॉस प्राइस एल एल की प्राइस है तुमको पता है क्योंकि फोर ए तो तुम्हारे पास ए पच्चीस आ चुका ये हो गया सौ हो गया सो दो सो एक सौ पैंतीस इंटू तीन हो जाएगा चार सौ पांच तो बी आ गया दो सौ पांच क्वेश्चन सोल्व खत्म काम तो मुझे बताओ इस सेट में आपने सोच को डेवलप करना है बहुत सारे डर से काम नहीं चलेगा उनतीस चलो उनतीस लिख देते हैं यहां मैंने क्या था यहां मल्टीप्लाई क्या था उनतीस है ना तो ये हो जाएगा अब वैल्यू लिख देते हैं चलो तो ये हो गया उनतीस मेरे पास बी आ गया दो तो ये हो जाएगा 205 ठीक है बी प्लस फाइव ये दो हो गया ये है वन फिफ्टी और वो आखिरी है थ्री बी तो दो सौ पांच को तीन से करो छह सौ पंद्रह ठीक है छह सौ पंद्रह बी प्लस दस बी प्लस दस दो सौ पंद्रह ठीक है बी दो सो पांच और अस्सी और ट्वेंटी सेवन इंटू दो सौ पांच यहां तक आपका आ गया ये सारी वैल्यू आ गई मेरे पास बी की वैल्यू आ गई अच्छा एक सेकंड एक सेकंड गलती हो गई ये पांच है ना तो सब चेंज करना पड़ेगा मुझे हो दो गलती हर बड़ी नहीं करनी आपको समझाने चक्कर में बोलने के चक्कर में कंसेंट्रेट नहीं कर पाया इस बात पर ओके बी आगे दो सौ ये दो सो ये दो सो पांच ये ट्वेंटी और वो हो गया छह सौ इधर बी प्लस टेन दो सो दस और बी हो गया दो सौ और ये हो गया अस्सी ये हो गया सत्ताईस इंटू दो सौ चौवन चार्ट आप नोट करो हमारा सेट सॉल्व हो गया अब इस पर बेस पांच क्वेश्चन में कराऊंगा आप लोगों को इस पर बेस हम पांच क्वेश्चन अब हम करेंगे पांच क्वेश्चन इस सेट पर बेस्ड ठीक है गलती समझ में आ गई तो ये बात याद रखना कि अभी कितना टाइम लग गया इस क्वेश्चन करने में मुझे मुझे लग गया तीस मिनट

क्वेश्चन कर रहे हैं अच्छे लेवल के ठीक है चलो भाई नोट हो गया जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में यस नोट कर लियो तो जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो यस तो मैं आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं एक्चुअल क्वेश्चन पे आता हूं ये समझ लो कि तुम्हें तुम नदी पार कर रहे हो शुरू में नदी में पानी है दो दो फिट का है ना जैसे मान लो तुम लोग नदी में नदी में पार करनी तुमको ये नदी है यहां पर नदी है दो दो फिट की ये दो फिट पानी है यहां तक अब आता है मेन्स लेवल मेंस लेवल यहां पर है दो फिट पानी यहां पर है चालीस फिट पानी तो मेन्स लेवल इसी लेवल का है जो आप कर रहे हो भाई आपको ये भी पार करना पड़ेगा है ना लेकिन ये जगह थोड़ी सी है ज्यादा बड़ी नहीं है ये आपका माना चार किलोमीटर है तो ये आधा किलोमीटर है लेकिन इस आधा किलोमीटर के लिए आपको पूरे छह महीने मेहनत करनी पड़ेगी

मैंने पूरा सेट सॉल्व करके दिखा दिया आप लोगों को सामने सारी वैल्यू लिखी हुई है अब आप ये सीखो कि वैल्यू से कैसे हम क्वेश्चन मार्क करेंगे इस वैल्यू से कैसे क्वेश्चन मार्क करेंगे एक मिनट से कम में हो जाएगा इस क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा भी बात समझ गए हो सेट को गुड इवनिंग सनविका अरे वाह सन्विका तुम अनएकेडमी स्टूडेंट थी ना मेरी सन्विका यू आर माई अनकेडमी स्टूडेंट नाम याद आ रहा है सानविका हम्म तो आज ऐसे घूमते फिरते आई हो या बैंक में भी इंटरेस्ट है आपको ये क्वेश्चन बैंक एज वेल एज कैट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है मुझे कैट में पढ़ाते हुए बहुत सालों का एक्सपीरियंस है तो मैं बैंक में यही एक्सपर्टाइज आपके बहुत हेल्प करने जा रही है यस देखो भाई एक मिनट हो चुका है मैं एक मिनट और दे रहा हूं, मैं देखता कितने लोग इसको कर पाते हैं अच्छा घूमते फिरते आई हो ठीक है आया करो अच्छा लगता है आयो तो चाय वाय पी के जाना है ना मैं आपके लिए चाय की व्यवस्था कराता हूँ मेहमान की तरह आईयो <laughs> क्या बैंक की प्रिपरेशन भी कर रहे हो सानविका बैंक की प्रिपरेशन भी कर रहे हो नी आंसर कई रीजन है आराम से बता दूंगा दिन आपको ना आराम से अच्छा ओनली कैट तो ये सर कैट में कैट की चीजें सब कैट में काम आएंगी नहीं कर पाए यार डरना बंद करो क्वेश्चन पे काम करो सुनो आपको डेटा दिया हुआ है पहला इस देखो

नंबर ऑफ टॉय सोल्ड इन सॉप ओ इज बी माइनस वन ट्वेंटी तो यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ टॉय नंबर ऑफ टॉय सोल्ड बल्कि इसको अगले पेज आता है ठीक है, एक अगले है इस को. तो मेरे पास एन और ओ की बात कर रहा है नंबर ऑफ टॉय सोल्ड कॉस्ट प्राइस ये दो डेटा बना लेते पहले क्या क्या देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है ठीक है हमारे पास ये दो चीजें आ जाती है तो ये रेशियो बोल रहा है

मार्कअप परसेंटेज टॉय इन शॉप ओ इज ए प्लस फाइव ए आया था मेरा पच्चीस तो यहां पर हो गया मार्कअप परसेंटेज ए प्लस पांच मतलब तीस परसेंट ठीक है ये हो गया मेरे पास आगे क्या बोल रहा है इफ द टोटल डिस्काउंट अमाउंट ऑफ टॉय इन शॉप ओ इज रुपीज फोर्टी एट अच्छा टोटल डिस्काउंट कितना दिया वो दिया है 4800. ध्यान देना इस टाइप को अब मुझे बताओ अगर इसका 250 रुपए कॉस्ट प्राइस है एक सिंपल क्वेश्चन आपका एक प्री लेवल का क्वेश्चन किसी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस 250 है इस पे मार्का पे 30% डिस्काउंट दे रहा है टोटल 4 4800 टोटल आर्टिकल 80 तो बताओ इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी कैन यू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ऑफ वन टॉय इन ओ बताओ हो गया क्वेश्चन अगर आप ये बात समझ ये तो क्वेश्चन आसान है बताओ क्या होगा तो देखो टू फिफ्टी अगर आपकी सीपी है थर्टी परसेंट मार्कअप है एमआरपी क्या होता है सीपी में आप मार्कअप जोड़ लो मार्कअप परसेंट बाई हंड्रेड तो सीपी है ढाई सौ वन प्लस बटे सौ जाएगा ढाई सौ गुना तेरह बटे दस तो पच्चीस गुना तेरह पिचहत्तर सात फोर टू फाइव पच्चीस से तीन बार पिचहत्तर सात नहीं थ्री टू फाइव इसकी MRP हो गई थ्री टू फाइव अब एमआरपी आर हो थ्री टू फाइव हो गई डिस्काउंट देखो टोटल डिस्काउंट तो हो गया तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी तीन सौ पच्चीस इसकी एमआरपी माइनस सिक्सटी तो घटा लो पांच है दो सौ पैंसठ तो अब सब कुछ तो मेरे पास आ गया अब देखते क्या क्या हमें पूछा गया क्वेश्चन में देखो भाई एक क्वेश्चन में कितने सारे यूज़ होते हैं ओके okay. राधे ने बोला है वन ऑप्शन आगे बढ़ते हैं टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाई द शॉप ओ बाइ सेलिंग ऑल द टॉइन शॉप ओ रूपीज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड देखो ओ ने कितने आर्टिकल बेचे एक सौ बीसो ए ने ओ ने बेचिया आर्टिकल अस्सी और हरेक की कॉस्ट कितनी है दो सौ पैंसठ तो दो सौ पैंसठ जो गुना करोगे तो यह आ जाएगा जीरो आठ पंजे चालीस चार आठ छीस चार बावन तो आखिरी में आएगा दो सौ यहां पर पांच सौ है आखिरी में आएगा दो सौ तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया यह स्टेटमेंट रॉन्ग तो टू हट गया ये ऑप्शन हट गया अब बस थ्री देख लेते हैं थ्री देख लेते हैं नंबर ऑफ तो बहुत ही गड़बड़ है

पच्चीस बीस दिन से चल रही है शाम वाली क्लास के सारे क्वेश्चन करो मजा आएगा क्लास शुरू से देखो प्ले तो करो, आप, आप करोगे पिछले क्वेश्चन करने में यही तो आपको एग्जाम के लिए तैयार करेगी ये जो क्वेश्चन आप अभी करोगे हाँ टाइम लगेगा राधे टाइम लगता है अच्छा मुझे बताओ एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल

कितने लोगों को काट लानी आती है सिविंद तुमको आती नहीं आती है सिविंद तुमको काट लेनी आती है ओके राधे किसी को आती है कोई तो बताए किसी को आती है ओके सिवेंद को आती है ठीक है चलो ये बताओ कितने लोगों को मोटरसाइकिल चलानी आती है मोटरसाइकिल तो आती होगी अरे मोटरसाइकिल चलानी तो आती होगी अच्छा मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं मैंने जब पहली बार मोटरसाइकिल चलाई थी मैं शायद दस या बारह साल का रहा उस वक्त जब मैंने पहले दिन मोटरसाइकिल चलाई तो मैं गिर गया था एक थोड़ी दूर जाके साइकिल मुझे आती थी लेकिन गियर क्लच और एक्सीटर बहुत सारी चीजें होती है ना ठीक है तो पहली बार जब मैंने मोटरसाइकिल चलाई थी, थी तो मैंने बहुत ध्यान दिया कि यार कब क्लच दबाना है कब ब्रेक मारनी है कब स्पीड देनी है क्या करना है कैसे रोकनी है गाड़ी तो बहुत सारे ध्यान हमारा चलता था उस पर पंद्रह बीस दिन मुझे लगे उस पर कमांड करने में और एक बार कमांड हो गया तो हमारे हाथ को दिमाग से पता है अब हमें बिल्कुल ही देखना अब जैसे शुरुआत में जब मैंने मोटर मोटरसाइकिल चलाई थी तो मेरा जो दोस्त था पीछे बैठा था मैं उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था मैं कहता बेटा डिस्टर्ब ना कर मुझे सीखने दे चलाने दे अभी गिर जाऊंगा तुझे भी चोट आएगी मुझे भी चोट आएगी लेकिन पंद्रह दिन जब मैं सीख गया उस पर मैंने कमांड कर लिया उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से चलाने लग गया था मेरा जो दोस्त मेरे पीछे बैठता था उससे मैं खूब बातें भी करता था मतलब अब मेरा ध्यान ना तो क्लच पे था ना ब्रेक पे था ना गियर पर था ना एक्सीटर पर वो अपने आप हो रहा था यही मैथ्स के लिए होता है शुरू में आपको बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा सिली एरर गेयर लगना सिली एरर होना है ना करते करते कौन से समझ ना आना रोड कैसी है ना समझ में आना तो ये धीरे धीरे जाएगा आप लगातार काम तो करो एक सेट को एक दो दिन करो ना समझ में आए तो वीडियो देख लो लेकिन प्रैक्टिस करो यस समझे बात तो कोई भी काम शुरू में आसान नहीं होता है आप किसी भी बच्चे से पूछो जिसका बैंकिंग में हुआ है उसने सीरियस एफर्ट दिया होगा याद रखना में में आपको चार पांच क्वेश्चन ही पता है एक तो इसका मतलब बहुत आसान है बैंक निकालना लेकिन आपको डरना नहीं है ठीक है लगे रहो धीरे, धीरे प्रैक्टिस करो शुरुआत में जब मैंने कार्ट लाइन सीखी थी तो मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं मैं किसी को उड़ाना दू कहीं चोट ना लग जाए किसी के एक्सीडेंट ना हो जाए लेकिन अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता सब अब मैं सारे काम भी कर लेता हूँ इवन मैं फोन पे बात कर लेता हूँ इसका मतलब क्या है एक बार आपको चीजें समझ में आएगी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप धीरे धीरे उस पर इंप्रूव कर सकते हो क्या बात समझते हो चलो तो इसी बात में सब लोग लिखो सर मेहनत करने के तैयार है लिखो कमेंट सेक्शन में यस सर वी आर रेडी टू वर्क मेहनत करने के लिए तैयार है हम लिखो कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखो मेहनत करके तैयार हैं सर रेडी हैं वेरी गुड बस अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूं उसी सेट का मेरे पास थे तो पांच क्वेश्चन लेकिन चलो क्वेश्चन दुकान के एल एम और चलो क्वेश्चन लिखा है पढ़ो जरा सॉल्व करो टीढ़ा क्वेश्चन है करना पड़ेगा कैलकुलेटिव है, है और वैसे तो बहुत दूर दूर दो ऑप्शन बहुत पास है ये दोनों करो क्या बताओ तैयार है ना बस तो लगे रहो मैं हूं आपके साथ में लगातार क्लासेस ले रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं किसी दिन भी क्लास छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए मैं डेली क्लास ले रहा हूं बस सैटरडे संडे को ऑफ करता हूं येस बताओ बहुत लोग तैयार हैं बस क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे अगर तैयार हो तो आप सब कुछ डेटा सामने दिया हुआ है अच्छा अब आप एक बात समझना ऐसे क्वेश्चन में आपको एक कंफ्यूजन होगा कि हम सारे ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और अंकित मूल्य का डिफरेंस लें या हम एक एक का लें तो ऑप्शन देखो छोटे दिए हुए 156, 152, 1 तो यहां पर आप ऑप्शन से कनेक्ट कर सकते हो कि मुझे हर एक ऑब्जेक्ट का सिंगल ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य जोड़ना है और हर एक ऑब्जेक्ट का सेल, सेलिंग प्राइस जोड़ना है उनको घटा देना है ये करना है थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी जाएगी बाकी क्वेश्चन आसान हो जाएगा बताओ अरे यार ये भी नहीं कर पाया तुम लोग देखो भाई पहले तुम लोग एमआरपी देखो के की एमआरपी सौ रुपया उसकी कॉस्ट थी चालीस रुपये बढ़ा के लिखा तो के की एम आर पी होगी वन फोर्टी प्लस इसका दो सौ पांच रुपये कॉस्ट प्राइस थी बीस परसेंट बढ़ाया तो बीस परसेंट मतलब एक बटे पांच मतलब इकतालीस रुपया तो इसकी एमआरपी हो गई दो सौ छियालीस प्लस सौ रुपए पर डेढ़ सौ बढ़ाया तो ये हो गई ढाई सौ रुपया प्लस दो सौ का अस्सी परसेंट एक सौ साठ तीन सौ साठ रुपये आपकी हो गई इनकी एमआरपी क्या ये बात आप लोग समझते हो किसी का आंसर आया अरे यार तुम लोग आंसर नहीं आया अभी तक चलो कोई बात नहीं अब हम आते हैं इनकी सेलिंग प्राइस इनकी सेलिंग प्राइस देख लेते हैं तो देखो पहले पर्सन ने पहली जो की शॉप थी उसने 210 का डिस्काउंट दिया सभी पर और आर्टिकल बेचे 30 तो 210 बटे 30 करोगे तो आएगा रुपया मतलब उसने ₹70 का डिस्काउंट दिया उसकी एमआरपी है 140 तो उसका डिस्काउंट हो गया 130 उसकी सेलिंग प्राइस होगी 133 दूसरे पर आ जाओ इसने 600 टोटल डिस्काउंट दिया 200 आर्टिकल पे जो तो एक आर्टिकल पे ₹3 डिस्काउंट किसकी एमआरपी है 240 तो ₹3 घटा लो 237 प्लस ये जो एम वाला शॉपकीपर है इसका 25 था ये उनतीसौ में डिवाइड करो 117 आएगा ना ये तो एक सौ डिस्काउंट दिया 250 में सत्रह डिस्काउंट ये बढ़ेगा 133 का प्लस अब जो प्रॉब्लम आएगी इसमें आएगी इस वाली फिगर में क्यों क्योंकि देखो चौवन सो टोटल डिस्काउंट है डिवाइडेड बाई इक्कीस दो ये काट लो और तीन से एक और सात बार जाएगा सात चौदह और चालीस सात ट्वेंटी और कितना ट्वेंटी फाइव घटा लो आंसर तो पास कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना पांच तीन थ्री थर्टी फाइव ठीक है तो ये हो गई टोटल सेलिंग प्राइस ये हो गई टोटल एमआरपी जोड़ लो इनको तो जीरो ठीक है चार चार आठ पांच तेरह और छह उन्नीस एक दो दो चार दो छ और तीन नौ नौ सौ छियानवे टोटल इधर कर लो तीन तीन छ तीन नौ पांच चौदह का एक तीन एक चार 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 आठ आठ तीन ग्यारह ग्यारह तीन चौदह का एक दो दो चार पांच और तीन आठ आठ सौ चौवालीस डिफरेंस दे का नौ सौ छियानवे दो पांच एक एक सौ बावन और मैंने पॉइंट सेवन छोड़ा तो वन फिफ्टी टू पॉइंट सेवन सेकेंड ऑप्शन नहीं राधे गलती हो गई समझे बात आप लोग बात समझाई बोलो बच्चा अब आपको मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन में पहले तो सॉल्व करना इज ए ट्रिक इसको सॉल्व करना कैसे था वो बड़ी जरूरी बात थी आप लोग काम करना एक बार इस क्लास को जब देख लिया आप लोगों ने तो एक बार शुरू से पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना यही तरीका होगा कि आप जब तक इंस्ट्रक्टर रहता है तब तक आप बहुत मजा आता है लगता है आसान क्वेश्चन जब मैं नहीं सामने आपके जब आपको केवल खुद से करना तो शायद शुरू में एक बार आपको प्रॉब्लम आए डरना नहीं जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तो छोड़ेंगे नहीं आपको याद है माउंटेन मैन मांझी का डायलॉग जब तक फोड़ेंगे नहीं ये एग्जाम तब तक छोड़ेंगे नहीं मेहनत करेंगे अगला क्वेश्चन आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत ही लॉजिकल इसे करा देता हूं इसको ये करा देता हूं होमवर्क ही नहीं देता हूं आपने पढ़ लिया है हां ये क्वेश्चन करो, करो।, करो चलो ये आसान क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसको ट्राई करो इसको ट्राई करो चलो भाई सॉल्व करो सॉल्व करो डीआई करा दूंगा डीआई पर कल इसी सेट का डीआई करा दूंगा मेरे पास डीआई पे भी बेस है क्लर्क में डीआई भी बहुत आई हुई है कल डीआई करा दूंगा चलो कल शाम को डीआई करेंगे यस के आंसर होगा अच्छा तुम खुद ही आंसर दोगे इस क्वेश्चन का ये बताओ दुकान एल में कितना डिस्काउंट दे रहा है दुकान एल में डिस्काउंट कितना है तीन रुपए का तो वो बोल रहा है कि दुकान एल में बीस परसेंट खराब है तो सही कितने एक सौ साठ एक सौ साठ सही है और चालीस खराब है डिफेक्टिव है अब क्या कर रहा है कि उसने यहां पर तो दिया तीन रुपए छूट पर छह सौ टोटल लेकिन वो ये कहना है कि जो, जो टॉय थे, उस पर वो दो रुपए छूट यहां पर है यहां पर वो पांच रुपए छूट दे रहा है बस तो इधर हो गया सोलह ती अड़तालीस चार सौ अस्सी छूट यहां दिया प्लस आ, दो सौ छूट यहाँ दिया तो छह सौ अस्सी रुपए टोटल छूट दिया कितना आसान क्वेश्चन था फोर्थ ऑप्शन

तो ये कल का आपका होमवर्क क्वेश्चन है नहीं कोई बात नहीं अब अब मैं ऐसा करूं ना कल क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था ना टाइम के चाह रहा हूं बहुत बड़ी क्लास में कोई फायदा नहीं होता है बच्चे लोग कौन से समझ आ गए बस यहाँ पे आसान हो गया आप लोग हम लोगों के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो मैं आपको लिंक दे देता हूं तो, तो दिस इज अवर के बैंकिंग चैनल टेलीग्राम लिंक जिसमें मेरी क्लास का लिंक मिलता रहेगा और भी क्लास हमारी होती रहती है और भी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं याद रखना पढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे डरना नहीं है मैं हूं आपके साथ लगातार हम लोग काम कर रहे हैं आपकी मेहनत मेरा गाइडेंस सिलेक्शन जरूर होगा गुड नाइट